Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start the fourth lecture of nutrigenomics. And the topic of our lecture is nutrigenomics of carbohydrate intake and how carbohydrate is going to affect the gene expression. और ये topic आप लोग already second lecture में cover कर चुके हैं. Just मैंने आप लोगों को general overview दिया था जिसमें मैंने explain किया था कि carbohydrate जो है वो gene के expression को affect करता है और उसकी वजह से obesity होती है. तो आज का लेक्चर जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है और हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से जीन्स इफेक्ट होते हैं, प्लाज्मा में क्या चेंजेस आते हैं और बॉडी में ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन से. तो इसमें स्पेसिफिकली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी रैट्स के ऊपर और रैट्स में देखा गया था कि अगर हम उनको कार्बोहाइड्रेट डाइट दे रहे हैं तो उनके जीन एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं और स्पेसिफिकली एडिपोज टिश्यू के जो जीन्स हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे. तो दिस वॉज द स्टडी इन विच दे एनालाइज द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन ओबेसिटी. और ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो ओबेसिटी है इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द fat but it is also associated with excessive intake of simple carbohydrate. Jo is research ke objectives the, they were to analyze the effect of overconsumption of diets with the high carbohydrate to fat ratios and the effect of the caloric intake on the body weight gain and on body composition and analyze the gene expression in the adipose tissue. इस स्टडी के अकॉर्डिंग हाई कार्बोहाइड्रेट टू फैट डाइट का इफेक्ट चेक किया गया था. ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट टू फैट रेशियो का मीनिंग ये है कि उस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इनटेक या अमाउंट जो थी वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द फैट. और इसके अलावा जो ओवरऑल कैलोरिक इनटेक है उसका इफेक्ट देखा गया था बॉडी के वेट गेन के ऊपर और बॉडी के कॉम्पोजिशन के ऊपर. और बॉडी कॉम्पोजिशन में इन्होंने एडिपोज टिश्यू के सेल्स को एनालाइज किया था. रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी सजेस्टेड दैट द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट एंड इंटरेक्शन विद द एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक अफेक्ट्स द बॉडी कॉम्पोजिशन एंड इट प्लेज द रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमारी कार्बोहाइड्रेट टू फैट डाइट है और एक्सेसिव कैलोरिक डाइट है इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया था. सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं हम देखते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या नहीं. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट है और एक्सेसिव कैलोरिक डाइट जो है उन दोनों का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ऑन द बॉडी कॉम्पोजिशन और उसकी वजह से इट इज फर्दर लीडिंग टू द ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो बिफोर मूविंग ऑन कौन मुझे बताएगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है. जी बच्चों मैम मैं आए जी बोले मैम ये क्लस्टर ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि मिलके इकट्ठी मिलके इंक्रीज करती हैं हमारे डिजीज़ के रिस्क को, स्ट्रोक को, डायबिटीज को. और क्लस्टर ऑफ कंडीशंस का मतलब ये है कि जिसमें कि हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज या हाई गुड कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन और फिर वो कॉज कर देते हैं ओबेसिटी को या ओबेसिटी का. एक्सेलेंट सिद्रा, वेरी गुड. सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बेसिकली रेफर करता है क्लस्टर ऑफ कंडीशंस जिसकी वजह से रिस्क फॉर दी सीवीडी, डायबिटीज और स्ट्रोक जो है वो ज्यादा होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो हमारी कार्बोहाइड्रेट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो और जो आपका एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक है बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. Other than that, जो microarray analysis था of adipose tissue, it revealed that high carbohydrate diet leads to the transcriptional changes. और इसमें 270 and 464 transcripts जो हैं वो effect होते हैं.
ये वाली बात के मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर जो है चेंजेस लेके आता है. तो जो ये स्टडी हुई थी इसमें ये प्रूव किया गया था, माइक्रो एरे एनालिसिस जो है ये वो एनालिसिस होते हैं जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, सेट ऑफ जीन्स को हम देखते हैं. ये एक टेक्नोलॉजी है, तो जहाँ पे भी माइक्रो एरे का वर्ड आएगा तो इट इज़ बेसिकली रेफरिंग कि यहाँ पे जीन्स जो है वो एनालाइज हो रहे हैं. ठीक है, तो जीन्स को एनालाइज करने के लिए हम माइक्रो एरे रिजल्ट यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो एडिपोज टिश्यू में चेंजेस आ रहे थे वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे थे और इसमें 270 एंड 464 ट्रांसक्रिप्ट नंबर्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे थे. अब ये बात भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या होते हैं. सो व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस? कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ठीक है, जहाँ पे डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही होती है उस लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे होते हैं. अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस लेके आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से. तो दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, एक का नाम है CHREBP और दूसरे का नाम है SREBP. बच्चों, ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लें. जो टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विच आर इफेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द कार्बोहाइड्रेट includes CHREBP and SREBP. CHREBP जो है इसकी फुल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन और ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में और इट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन द लिवर एडिपोज टिश्यू एंड किडनी. वाइल SREBP stands for the sterol response element binding protein और again ये एक transcription factor है जो कि liver में produce होता है. जैसे आप लोगों ने fat के लिए पढ़े थे दो transcription factors, उसमें एक SREBP था और एक PPAR alpha था. इसी तरह carbohydrate में जो दो transcription factors involved हैं वो CHREBP1 है और SREBP है. इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, वो अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. CHREBP जो है इट फुल फॉर्म क्या है इसकी, कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन और ये जो है रोल प्ले करता है इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लाइकोलिसिस एंड लिपिड बायोसिंथेसिस इन द एडिपोज टिश्यू लीडिंग टू द ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. So, carbohydrate response element binding protein is a transcription factor which couples the hepatic glucose utilization and lipid synthesis. ठीक है, इसका बॉडी के अंदर ये रोल होता है कि एक तो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ग्लाइकोलिसिस कराता है, लिवर के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, इसके साथ साथ ये लिपिड के सिंथेसिस को भी प्रमोट कर रहा होता है इन दी एडिपोज टिश्यू और इन दोनों की वजह से इंसुलिन भी और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और ओबेसिटी होती है. ठीक है, लिपिड सिंथेसिस से ओबेसिटी होगी और हेपेटिक ग्लूकोज यूटिलाइजेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है. मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज्ड ग्लूकोज फ्लक्स. अब ग्लूकोज फ्लक्स का मीनिंग क्या है कि जब बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहे हैं तो हेपेटोसाइट्स कौन से सेल्स हैं जो कि लिवर में प्रेजेंट है, लिवर सेल्स. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ग्लूकोज फ्लक्स हेपेटोसाइट्स जनरेट्स अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट एंड इट लीड्स टू द रैपिड चेंजेस इन द CHREBP. जब भी ग्लूकोज फ्लक्स बॉडी में ज्यादा होगा हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जनरेट करेंगे which is known as xylulose 5-phosphate और ये xylulose 5-phosphate जो है वो CHREBP को एक्टिवेट करेगा या उसके अंदर चेंजेस लेके आएगा. और CHREBP क्या कर रहा है, इट इज कोऑर्डिनेटिंग द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम्स व्हिच चैनल्स द ग्लाइकोलाइटिक एंड प्रोडक्ट्स इनटू द लिपोजेनेसिस.
सो सी एच आर ई बी पी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन करेगा एंजाइम्स की, वो एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन दी लिपोजेनेसिस, जो कि ग्लाइकोलिटिक एंड प्रोडक्ट को कन्वर्ट करे हैं लिपोजेनेसिस में. और ये सी एच आर ई बी पी जो है वो टर्न ऑन करेगा एंजाइम्स को, ठीक है, कौन से एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करे लिपोजेनेसिस में. और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, पाइरूवेट काइनेज है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है, ठीक है. ये तीनों एंजाइम्स आप लोग सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है पूरा मैकेनिज्म कि कैसे सी एच आर ई बी पी जो है वो फर्दर एंजाइम्स की रेगुलेशन या एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा है. Now you are going to study the relationship between obesity and insulin and how it is related with carcinogenesis. ठीक है, अब आप ये स्टडी करोगे कि obesity का मीनिंग ये है कि जिसमें ओवरवेट है इंसान, ठीक है, और इंसुलिन का क्या रोल है, और ये दोनों जो है कार्सिनोजेनेसिस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं. कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है, कैंसर की प्रोग्रेशन या कैंसर. अब इसमें भी एक स्टडी हुई हुई थी और इसमें देखा गया था कि जो इंसुलिनोमा है विच इज द ट्यूमर ऑफ द पैनक्रियाज एंड ओवर ईटिंग, इंसुलिनोमा एंड ओवर ईटिंग ये दो फैक्टर्स हैं विच लीड्स टू द लिपोजेनिक एक्शंस ऑफ द इंसुलिन विच इज मीडिएटेड via transcriptional activation of the target genes and it is controlled by SREBP. ठीक है, अब यहाँ पे वो रोल आ गया कि SREBP जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है. तो इंसुलिनोमा और ओवर ईटिंग की वजह से लिपोजेनिक एक्शंस ऑफ द इंसुलिन जो है वो मीडिएट होते हैं और फिर इसके बाद वो कंट्रोल हो रहे हैं SREBP से. और SREBP जो है वो कंट्रोल करे एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द लिपोजेनिक पाथवे. आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये रेड बॉक्स देखें, obesity और हाइपर इंसुलिनीमिया दोनों जो है मिल के इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे. इंसुलिन की वजह से SREBP ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर एक्टिवेट होगा और SREBP जो है वो प्रमोट कर रहा है लिपोजेनेसिस को. लिपोजेनेसिस मीन्स के लिपिड फॉर्मेशन को, लिपिड सिंथेसिस को, उसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है. इसके साथ साथ SREBP जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-2 को भी जो है वो एक्टिवेट करता है आपकी बॉडी में. और ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है ये डायरेक्टली कार्सिनोजेनेसिस के साथ इन्वॉल्व है, ये कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर को प्रमोट करता है. तो बेसिकली ये रिलेशनशिप है कि कैसे ओबेसिटी और हाइपर इंसुलिनीमिया जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकती है और ओबेसिटी भी कॉज कर सकती है. और अगर मैं पूछूं कि आपसे कि जीन लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोग बताओगे कि जीन लेवल पे SREBP1 जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट होता है और फिर वो चेंजेस लेके आता है जिससे लिपोजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस होते हैं. अगर हम SREBP को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि SREBP जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट ड्रग्स. तो उसकी वजह से हम डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, दे कैन ऑल बी प्रिवेंटेड बाय द इनहिबिशन ऑफ SREBP. कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से जो है वो 15 जीन्स इफेक्ट होते हैं, टोटल 15 जीन्स इफेक्ट होते हैं. और ये 15 जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में, ग्लाइकोलाइसिस में और लिपोजेनेसिस में, ठीक है. और प्लाज्मा में क्या चेंजेस आएंगे, प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मा, जी बच्चों कौन बताएगा व्हाट इज प्लाज्मा, ब्लड मैम, ब्लड, ठीक है नीजा. प्लाज्मा जो है वो बेसिकली रेफर करता है आपका ब्लड को. अब ब्लड में क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्लूकोज से, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जीन्स में और ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए, अब हम पढ़ेंगे ब्लड में क्या चेंजेस आएंगे. तो ब्लड में सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल जब राइज होंगे दे विल ट्रिगर अ रैपिड रिलीज ऑफ इंसुलिन.
और इंसुलिन की वजह से क्या होगा, इट विल एक्टिवेट द इंसुलिन रिसेप्टर फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे, PI3 के पाथवे भी इसको कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज। ये देख लें अपनी कॉपीज पे, ब्लड ग्लूकोज जब ज्यादा होगा, ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होंगे वो रिलीज करेंगे इंसुलिन को, और इंसुलिन जो है वो PI3 के पाथवे को एक्टिवेट करेगा, और PI3 के पाथवे जो है वो फिर आगे फर्दर एनाबॉलिक इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। PI3 के पाथवे की फुल फॉर्म है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज। अब जी एनाबॉलिक इफेक्ट्स क्या होंगे, देर आर 3 एनाबॉलिक इफेक्ट्स आफ्टर द इंसुलिन रिलीज। नंबर 1, इट विल इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, and it will not use the amino acid for the glucose synthesis, but it and it will promote the muscle protein synthesis. So iska ek ye anabolic effect hoga insulin ka. Iske sath it will enhance the glucose uptake and oxidation in the skeletal muscle. It will also suppress the lipolysis and it will increase the lipogenesis in the adipose tissue. Ye teeno anabolic effects aap logon ki fingertips pe hone chahiye. के व्हाट, जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर द एनाबॉलिक इफेक्ट्स आफ्टर द इंसुलिन रिलीज, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, दूसरा ग्लूकोज के अपटेक को एनहांस करेगा, एंड थर्डली इट विल सप्रेस द लिपोलाइसिस एंड इट विल इंक्रीज द लिपोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज द सेट ऑफ रिएक्शंस व्हिच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंस है और ग्लाइकोलाइसिस में, दोनों में डिफरेंस है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू द पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स या बाय प्रोडक्ट्स में, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। और इसके अलावा जो डिफरेंस है, ग्लाइकोलाइसिस में रॉ मटेरियल ग्लूकोज होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में रॉ मटेरियल जो है वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं और लैक्टेट हो सकता है। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं। तो जो हमारा एनाबॉलिक इफेक्ट है इंसुलिन रिलीज का, उसमें इट इज इनहिबिटिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, और फिर उससे जो आपके मसल प्रोटीन है उसका सिंथेसिस जो है वो प्रमोट होता है। सही है, ये अब एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस आप लोग देख सकते हैं कि वो अपने पाइरूवेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, और आप नीचे देख सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में के लिए जो है वो पाइरूवेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ लैक्टेट और अमाइनो एसिड्स मिल के जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कंडक्ट करवा रहे हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं अगर समराइज करूं कि प्लाज्मा में क्या चेंजेस आए थे कार्बोहाइड्रेट के इनटेक से, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा में जो है वो ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज होते हैं, इट विल रिलीज द इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो PI3 के पाथवे को एक्टिवेट करता है, और PI3 के पाथवे जो है वो फर्दर बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और एनाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हैं, इट इंक्लूड्स the inhibition of gluconeogenesis, enhance the glucose uptake and increase the lipogenesis. ये नोट कर ले जल्दी से, ये आप लोगों को आसान हो जाएगा जब आप पढ़ने लगेंगे। वन लाइन में एक्सप्लेन कर दिया पूरा मैकेनिज्म कि अगर ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन PI3 के पाथवे एंड कैंसर। ठीक है, हमें ये समझ आ गई है कि PI3 के पाथवे एक्टिवेट कैसे हो रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो एक्टिवेट तो हो रहा है, उसके बाद वो कैंसर से कैसे रिलेटेड है। सो PI3 के पाथवे विच इज फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज
It is the family of enzymes which is involved in the cell growth, proliferation, differentiation, motility, survival and intracellular trafficking. ठीक है, ये जो पाथवे है इसमें सेट ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और ये एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व है सेल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, प्रोलिफरेशन में और डिफरेंशिएशन और मोटिलिटी में. इसके साथ साथ सर्वाइवल और इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं. सो व्हेन ग्लूकोज इज हाई, ठीक है, तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड. This signals the activation of PI3K pathway, which promotes the proliferation. Now, what is proliferation? Increase in number. Ji, Aruj. I'm increasing number. ठीक है, तो जब भी हम सेल की ग्रोथ की बात करें तो प्रोलीफरेशन में क्या होता है कि जो सेल नंबर्स हैं वो ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो जो PI3K पाथवे है वो सेल की प्रोलीफरेशन में इन्वॉल्व है. व्हेन देयर इज एन इररेगुलर एक्टिवेशन ऑफ PI3K पाथवे, इट विल प्रमोट द सर्वाइवल एंड प्रोलीफरेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स इन मेनी ह्यूमन कैंसर्स. ठीक है, तो PI3K पाथवे डायरेक्टली ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ सर्वाइवल और प्रोलीफरेशन को प्रमोट कर रहा है. मैकेनिज्म अगर हम देखें, ऑल्ट्रेशंस इन द PI3K पाथवे कैन इंड्यूस द ट्यूमर फॉर्मेशन, एन इंक्रीज्ड पाथवे ऑफ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड रेजिस्टेंस टू द कैंसर थेरेपीज. यानी कि जो कीमोथेरेपी है उसकी उसमें भी ये रेजिस्टेंस कॉज करता है, या आप कह सकते हो कि ये कीमोथेरेपी की इफेक्टिवनेस को भी इफेक्ट करता है PI3K के पाथवे. और अगर हम इसको देखें कि PI3K के पाथवे कैसे एक्टिवेट हो रहा है, तो इनिशियली PI3K के पाथवे हाई ग्लूकोज लेवल्स या हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक से हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगी कीमोथेरेपी की इफेक्टिवनेस को. PI3K पाथवे के थ्री मेजर जंक्शंस हैं. जंक्शंस क्या होते हैं, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिसकी वजह से ये पूरा पाथवे एक्टिवेट होता है और बॉडी में फंक्शन करता है. ठीक है, तो आई नो कि ये पूरे पूरे नाम याद करने मुश्किल हैं क्योंकि ये बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स के नाम हैं और थोड़े मुश्किल हैं. एटलीस्ट ये जो रेड कलर में मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए और ये अगेन आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब मैं आपसे पूछूंगी PI3K के पाथवे के जो जंक्शन हैं वो क्या है. तो नंबर वन इज दी फॉस्फेनोटाइड डिपेंडेंट काइनेज 1, PDK1. And then we have mammalian target of rapamycin, MTOR. And lastly, we have AKT, which is the kinase, and it is also known as PKB. ठीक है, तो बस आप इसके जो red brackets में short forms हैं PDK1, MTOR, AKT, ये junctions आपको बताने चाहिए. ठीक है, PI3K pathway तब activate होगा जब ये तीनों junctions एक साथ activate होंगे. ये important junctions होते हैं, important points हैं, पार्ट्स हैं जो के काम करें एक साथ. ठीक है, ये एक पिक्चर है, रेड बॉक्स के ऊपर फोकस करें आप लोग. रेड बॉक्स में आप ये देख सकते हैं कि जी आपका इंसुलिन, जब ग्लूकोज ज्यादा होगा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करेगा PI3K के पाथवे को, PDK1 को, AKT को और MTOR को. ठीक है, ये येलो सॉरी ऑरेंज, ब्लू और वाइट और पिंक कलर में जो इन्होंने लिखा हुआ है PI3K के पाथवे में, वो आप लोगों को इसके जंक्शंस शो किए हुए. अब ये तीनों फिर जो है वो एक साथ एक्टिवेट होंगे और फिर आप नीचे देख सकते हैं कि टारगेट जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं. तो वो जीन्स के चेंजेस आप रहने दें. फिलहाल इस पिक्चर का पॉइंट ये है कि जो PI3K के पाथवे है उसके थ्री इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं. If low amounts of available energy are produced, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम excessive caloric intake और high carbohydrate की बात कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या changes आ रहे हैं. अगर आपकी body में जो है वो energy levels कम हो जाएं, ठीक है, तो उससे क्या body में changes आएंगे, अब हम ये discuss करेंगे.
So low amount of the energy level is related with the active with the PI3K pathway inactivation. PI3K pathway जो है वो inactivate हो जाएगा, it will be less active और cells जो है वो inactive state में चले जाएंगे. Mechanism क्या है इसका? This occurs when the AKT phosphorylates the FOXO, keeping the FOXO in the cytoplasm. PI3K pathway कैसे activate होना शुरू हो जाएगा? जो PI3K pathway में AKT एक junction था, वो जो है phosphorylate होना शुरू हो जाएगा FOXO के साथ. अब ये FOXO जो है वो एक enzyme का नाम है, ठीक है? और उससे क्या हो रहा है कि FOXO जो है वो उसको सेल को जो है वो साइटोप्लाज्म FOXO जो है वो एक इस FOXO को एक जीन्स जो है इसके जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में रहेंगे और वो फिर आगे जाके फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिव हो रहे हैं. सो FOXO व्हेन इट इज डीफॉस्फोरिलेटेड इट एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इट वर्क्स एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस ट्यूमर सप्रेसर्स सच एज P27 एंड P21. अब जो ये मैंने आगे लिखे हैं ट्यूमर सप्रेसर्स, ठीक है, न्यूट्रोजेनोमिक्स में जो ट्यूमर सप्रेसर्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है. मैं किसी जीन के नाम को आपको नहीं कहूंगी कि इसको याद करो, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर्स कौन से हैं, उनके क्या नाम है, वो आप लोगों को याद होने चाहिए. तो ट्यूमर सप्रेसर्स एक तो P27 है, एक P21 है, और आप आगे जाके और भी पढ़ोगे तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए. जहां भी P27 P21 आ रहा है तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि ये हम ट्यूमर सप्रेसर्स की बात कर रहे हैं. अब ट्यूमर सप्रेसर्स जो है वो बेसिकली होते हैं कि वो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे होते हैं, कार्सिनोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है. सो मैं समराइज कर देती हूँ आज के लेक्चर को कि अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करें तो क्या चेंजेस आ रहे हैं. सबसे पहले जीन्स में 15 जीन्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, और 15 जीन्स में जो के इन्वॉल्व हैं ग्लूकोज अपटेक में, ग्लाइकोलाइसिस में और लिपोजेनेसिस में वो इफेक्ट होंगे. सो जीन्स में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एटलीस्ट 15 जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोलाइसिस एंड लिपोजेनेसिस. और जी प्लाज्मा में क्या चेंजेस आएंगे? प्लाज्मा क्या है? ब्लड है. इसमें क्या होगा कि इट विल लीड टू द सीक्रेशन ऑफ द इंसुलिन and increased glucose metabolism in the liver. इसके अलावा प्लाज्मा में हाई ग्लूकोज या एनर्जी जो है वो PI3K pathway को एक्टिवेट करती है, और PI3K pathway जो है it is associated with the tumor progression and resistance to the cancer therapy. ठीक है, so that was the summary के कैसे जो है वो high ग्लूकोज या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो आपके जीन्स में और प्लाज्मा में चेंजेस लेके आ रही है. एनी क्वेश्चंस या कोई बात अगर नहीं समझ आई तो? बच्चों सोना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाने हैं, और जो भी अगर बात नहीं समझ आ रही है उसको आपने मुझसे उसी वक्त पूछना है, ठीक है, और अपने लेक्चर्स को भी साथ साथ रिवाइज करना है. चलो जी, अब ये एक और स्टडी थी जिसमें देखा गया था कि लोअरिंग द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ MTOR जीन इट एक्सटेंड्स द लाइफ स्पैन ऑफ द माइस बाय 20%, ठीक है. अब इसमें जो हमने PI3K के पाथवे पढ़ा है उसका जो थर्ड जंक्शन था MTOR, उसको स्टडी किया गया है कि जी उसकी वजह से क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो ये एक माइस के ऊपर स्टडी हुई भी थी, और इस स्टडी की फाइंडिंग्स में जो अगर हम MTOR के जीन के एक्सप्रेशन को कम कर दें या MTOR जीन्स को कम कर दें तो उसकी वजह से हम लाइफ स्पैन को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय 20%, या आपका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 20%, ठीक है. तो इसका मतलब यही हुआ कि MTOR को एक्टिवेट कौन कर रहा है? हाई ग्लूकोज डाइट या हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाइट. तो जैसे ही हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड कर लें या एटलीस्ट रिकमेंडेड अमाउंट में ले लें, हाई ना लें, तो उससे हम अपने MTOR के जीन एक्सप्रेशन को कम कर सकते हैं, और MTOR जीन्स जो हैं वो लाइफ स्पैन को इम्प्रूव करेंगे या लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करेंगे.
अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि इन मैमल्स डिक्रीज्ड एमटीओआर एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस अ प्रोफाउंड इंक्रीज इन द लाइफ स्पैन एंड स्पेसिफिकली एज रिलेटेड बेनिफिट्स हुए थे और एज रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ द रिड्यूस्ड एमटीओआर एक्सप्रेशन आर टिश्यू स्पेसिफिक. ठीक है, जो आपके टिश्यूज थे उसमें एज रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोड्यूस हुए थे विद द डिक्रीज इन द एमटीओआर एक्सप्रेशन. वो बेनिफिट्स क्या थे वो फर्दर आगे एक्सप्लेन हुए हैं. रिड्यूस्ड एमटीओआर एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द लोअर रेट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस ट्यूमर फॉर्मेशन. ठीक है, AKT और PI3K पाथवे, और अब हम MTOR को पढ़ रहे हैं, ये सारे जो है वो कार्सिनोजेनेसिस के साथ रिलेटेड हैं. ठीक है, तो MTOR में जो है वो भी ट्यूमर फॉर्मेशन को कम कर रहा है. इसके साथ साथ जो माइस थे दे रिटेन द बेटर मेमोरी एंड बैलेंस एज दे एज, उनकी मेमोरी और उनका बैलेंस ये दोनों भी इम्प्रूव हुए थे विद द रिडक्शन इन द MTOR एक्सप्रेशन. But their bones were deteriorated more quickly than normal. एक जो negative relation find out हुआ था with the reduced MTOR expression में ये था कि bones जो हैं वो deteriorate होना शुरू हो गई थी as compared to the normal mice. और overall जो MTOR expression है reduced MTOR expression वो survival को भी improve कर रहा है या increase कर रहा है. जी अस्मा मैम, ये स्टडी हम पे भी अप्लाई होती है, यानी हमारी भी अगर इस तरह का हो, यानी इंक्रीज लाइफ स्पैन की, ये सिर्फ माइस के लिहाज से ही है हम. अच्छा, जो ये वाली स्टडी है वो स्पेसिफिकली माइस के ऊपर हुई हुई है. ठीक है, तो अब हम सर्च कर सकते हैं कि फर्दर इससे आगे अगर किसी ने कुछ रिसर्च की हुई है ह्यूमंस के ऊपर तो उसका क्या इफेक्ट है. बट जो नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं हम स्टार्ट माइस से ही करते हैं. अगर माइस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया तो देर आर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के ये ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्टिव होगा. मैम, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछिए तो हम ये सबसे पहले माइस से रिलेटेड बताएंगे कि ये माइस पे स्टडी हुई है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों, जो आप लोग ये न्यूट्रोजेनोमिक्स के लेक्चर्स प्रिपेयर करोगे ये ज्यादातर रिसर्च बेस्ड हैं, तो इसलिए आपको रिसर्चेस भी बतानी चाहिए पहले. मैं इसीलिए पहले रिसर्च का बैकग्राउंड देती हूँ, फिर उसके बाद में उसकी फाइंडिंग्स बताती हूँ और फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं. ये सारे लेक्चर्स इसी पैटर्न पे बने हुए हैं. ठीक है, तो और इन रिसर्चर्स के जो वो हैं लिंक्स हैं वो भी साथ गिवन है. अगर आपको लगे कि आपको नहीं समझ आई स्लाइड्स में तो आप वो आर्टिकल्स खोल के भी रीड आउट कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो और भी क्या चेंजेस आए थे, जो देयर वर नो अल्टरेशंस इन द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस और मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हुआ था. बायोमार्कर्स ऑफ द एजिंग वर रिड्यूस्ड. बायोमार्कर्स क्या होते हैं? ये भी आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स, वेरी गुड कायनात. ठीक है जी, जो एज रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं बायोमार्कर्स हैं वो भी रिड्यूस हुए थे. और इसके अलावा जो देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन द टिश्यू एंड ऑर्गन एजिंग. जो आपकी टिश्यू की एजिंग है या ऑर्गन की एजिंग है या ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के वो भी स्पेसिफिकली माइस के ऊपर ये स्टडी हुई थी तो माइस में ये सब चीजें इम्प्रूव. ठीक है बच्चों, अपने माइस को म्यूट रखें. अच्छा जी, तो ये उसी स्टडी की फाइंडिंग्स हैं. ठीक है, एक चार्ट पे एक्सप्लेन हुआ वह है डिक्रीज्ड एमटीओआर एक्सप्रेशन इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन. और आप ये देख सकते हैं लाइफ स्पैन में आपकी गेट, मेमोरी और मसल स्ट्रेंथ, ये इनकी जो टिश्यू एजिंग थी वो स्लो हो गई थी और ये इम्प्रूव हुए थे. ठीक है, गेट क्या होती है? योर वॉक. ठीक है, और आपका इसमें इन्होंने बैलेंस भी देखा था. फिर मेमोरी आपकी और मसल स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई थी क्योंकि इनकी जो टिश्यू एजिंग थी वो स्लो हो गई थी. लेकिन ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था या कुछ टिश्यूज
में एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो गई थी और उसकी वजह से कैटरैक्ट्स, इन्फेक्शंस और बोन की डिटोरिएशन हुई थी. तो ये इस स्टडी की फाइंडिंग्स थी जो कि आप देख सकते हैं. ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज, वो एक्सटेंड हुआ था और इम्प्रूव हुआ था. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर जो है वो पूरा कंक्लूड हो गया है. पहले हमने स्टार्ट किया था कि हाउ ओबेसिटी इज डेवलप्ड विद द हाई कार्बोहाइड्रेट मील, और इसमें आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसा ईबीपी और सीएचआरईबीपी इन्वॉल्व हैं. जीन्स में जो है वो 15 जीन्स इफेक्ट हो रहे हैं जो कि ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोलाइसिस और लिपोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं. प्लाज्मा में जो है वो PI3 के पाथवे एक्टिवेट हो रहे हैं और वो फिर एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. इसके बाद आप लोगों ने CHRBP और SRBP का रोल स्टडी किया था. CHRBP जो है वो हेपेटिक ग्लूकोज यूटिलाइजेशन और लिपिड सिंथेसिस को में इन्वॉल्व होता है, उसको प्रमोट करता है. SRBP जो है वो लिपिजेनिक एक्शंस ऑफ इंसुलिन को कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से ओबेसिटी और लिपोजेनेसिस हो रहे हैं. तो ये आज के लेक्चर की टोटल कंटेंट था. आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अब मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी कि जब आप लोगों के 5 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तो आप लोगों का जो है वो क्विज होगा LMS पे. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों का LMS भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो और मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर असेसमेंट प्लान भी शेयर कर लूँगी. ठीक है, मैं आप लोगों को एक हेड्स अप दे रही हूँ कि अपने लेक्चर साथ साथ प्रिपेयर करें, साथ साथ रिवाइज करें, क्योंकि जो आपकी स्कूल ने डिसाइड किया है वो ये किया है कि सब टीचर्स जो हैं वो विद इन अ वीक अपनी असेसमेंट्स को पूरा करेंगे. जैसे क्विज के लिए एक पूरा वीक रखा गया है, मिड टर्म के लिए 2 वीक रखे गए हैं. तो उस तरह से आप लोगों को के पास टाइम नहीं होगा. जब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तो सब कोर्सेज के एक साथ शुरू हो जाएंगे, सब क्विजेस का वीक आएगा, सब कोर्सेज के एक साथ क्विजेस शुरू हो जाएंगे. तो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, एक साथ सबको कवर करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि न्यूट्रोजेनॉमिक्स का जो है वो क्विज तब होगा जब 5 लेक्चर्स आप लोगों के कम्प्लीट हो जाएंगे. ठीक है, LMS पे होगा, ऑनलाइन होगा. सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बाद में दे दूंगी पैटर्न से रेलिवेंट. बट अभी आप लोग अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें, रिकॉर्डिंग सुने, और कोई बात नहीं समझ आती तो मेरे काउंसलिंग आज में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट क्लास में उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा बच्चों देखो, आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम होता है, हर असेसमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. तो क्विज जो है वो आपका 10% वेटेज का होगा. अगर उसमें आपकी नंबर नहीं आते हैं तो उसका ओवरऑल आपके ग्रेड के ऊपर इफेक्ट होगा. तो किसी भी असेसमेंट को आपने मिस नहीं करना है क्योंकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पूरा करने की, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. तो मेक श्योर करें कि आप उसको अटेंड करें और ऑनेस्टी के साथ अपनी तैयारी करके अटेंड करें ताकि आपकी खुद की प्रिपरेशन हो और आगे फाइनल्स में प्रॉब्लम ना हो. अगर आप अभी जो है वो इधर उधर से पूछ के चीटिंग करके क्विज कर लोगे तो आपको खुद ही फाइनल में प्रॉब्लम होगा क्योंकि फाइनल में आपके पास सिलेबस ज्यादा होगा और आप उसको कवर नहीं कर पाओगे. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं वरना फिर हम सेशन एंड. आपके लेक्चर्स इनफ है ना, यानी हम बुक तो नहीं आप कह रही कि हम कोई बुक से कंसल्ट करें न्यूट्रोजेनॉमिक्स? नहीं, मैं जितना भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इनफ है. और बाकी ये है कि एट टाइम्स ये होता है कि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ और स्लाइड्स पे इतना नहीं लिखा होता या स्लाइड्स की समझ नहीं आती, क्योंकि पता नहीं आप लोग बच्चों स्लाइड से कैसे पढ़ लेते हो, मुझे खुद के लेक्चर स्लाइड से समझ नहीं आते. तो इसलिए जो है वो मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं आर्टिकल्स के, अगर वो चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप उन रेफरेंसेस को चेक कर सकते हो. अदरवाइज आप लोगों के पास तो रिकॉर्डिंग्स का एक बेनिफिट है. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए. तो बिल्कुल मेरे लेक्चर्स जो हैं वो इनफ होंगे, आप लोगों को ऐसा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, जिस लेक्चर में ज़रूरत होगी ना वो मैं आपको खुद ही बता दूंगी कि इस टॉपिक को आप इस लेक्चर से भी कवर कर लो. मैम हमारा क्विज एक ही होगा ना?
वनवा बच्चे क्विज जो है वो वैसे मैंने आप लोगों के दो प्लान किए हुए हैं, तो देखते हैं अभी मेरा असेसमेंट प्लान अप्रूव होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट मेरा प्लान ये है कि मैं, अच्छा मेरा क्विज लेने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि आप लोगों की तैयारी हो जाए, ठीक है। एक बिफोर मिड होगा, एक आफ्टर मिड होगा, फिर इसके बाद आप लोगों को पता है कि वाइवा शुरू हो जाते हैं और फाइनल एग्जाम हो जाता है, तो इसलिए आप लोग के दो क्विजेज होंगे और दोनों के टोटल मार्क्स लगेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बेस्ट वन होगा, दोनों के मार्क्स लगेंगे, इसलिए मेक श्योर कि आप वो दोनों अटेम्प्ट करें। मुशाविया मैम, इसमें लिखा हुआ है कि बोन जो है उसकी डिटेरियरेशन हो रही होती है, तो और साथ लिखा हुआ है कि गेट जो है इम्प्रूव हो रही होती है, तो मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि बोन डिटेरियरेट हो रही है और गेट इम्प्रूव हो रही हो? अच्छा, जो गेट है बच्चों वो उसका आपके ब्रेन के साथ, ब्रेन जो है वो आपका बैलेंस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो ब्रेन सेल्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके गेट के साथ, मेमोरी के साथ, वो इम्प्रूव हुए थे, या कह सकते हो कि उनकी डिटोरिएशन नहीं हुई थी एमटीओआर के रिड्यूस एक्सप्रेशन से। लेकिन बोन्स जो हैं, बोन्स का डिटोरिएट होना जो है वो रिलेटेड होता है जैसे कि आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, फ्रेजाइल हो गई हैं, तो उसके साथ, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। बच्चों टोटल लेक्चर्स का आपने क्या करना है, आपने तो पढ़ना ही है ना। फिर भी मैम अभी फिलहाल जो साइज के बारे में, तो आप लोगों के फिलहाल अभी 24 लेक्चर्स हैं, ठीक है। अगर बीच में ये ज्यादा हो गए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कम नहीं होंगी, ठीक है। यस मैम। चलें बच्चों अब मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ, बाकी आप लोग अपनी अटेंडेंस का खुद ख्याल रखें, ठीक है। क्लास को ज्वाइन करना और क्लास में प्रेजेंट होना, पार्टिसिपेट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको पता है कि इन सब चीज़ों की जो है वो ग्रेडिंग होती है, मार्किंग होती है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप लोग रेगुलर हैं और अटेंड करें अपने लेक्चर्स को। ओके मैम। एक्सक्यूज मैम। जी बोलें। मैम टोटल कितने लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, क्योंकि मेरी ना ये आज पहली क्लास है न्यूट्रोजेनेमिक्स की। अभी हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर पूरा कर लिया। सही। और मैम अटेंडेंस वगैरह का क्या है? अटेंडेंस जो है बच्चों मैं खुद लगाती हूँ, ठीक है। मेरे पास लिस्ट आ जाती है ज़ूम पे जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, और ये जो बच्चे 5 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, मैं इनके अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। मेक श्योर कि आप पूरा सेशन अटेंड करें ताकि आप लोगों के अटेंडेंस लगे। तो मैम हमारे जो पहले लेक्चर मिस हो गए हैं वो आपके क्यों मिस हुए हैं? मैम मेरी न्यूट्रोजेनेमिक्स की सेमेस्टर में पहली क्लास हुई है, ये मेरा ने सेक्शन चेंज किया है और उसकी तब कोई क्लास ही नहीं हुई। कौन सा सेक्शन था बच्चों? मैम सेक्शन डी था। हाँ अच्छा सेक्शन डी। अच्छा बच्चों बात ये है कि आप लोग सब लोग जो ना LMS आपके ए पोर्टल्स LMS के साथ लेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए अपने LMS को जरूर आपने चेक रखना है। और इसके अलावा आई नो के रजिस्ट्रेशन के इश्यूज होते हैं शुरू के वीक में, इसलिए शुरू के अटेंडेंस जो है वो मैं फिर भी उसमें लीनियंसी होगी, आप लोगों को एक्सेप्शन मिल जाएगी, बट आगे जो है वो आपने अपनी अटेंडेंस खुद मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा उस्मान आपको मेरी कोई ईमेल नहीं आई भी किसी क्लास लिंक की? नो मैम। चलें ठीक है, तो ठीक है बच्चे, बस आप आगे रिकॉर्डिंग्स जो है वो देख लेना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स और लेक्चर्स जो है वो मैं अभी ईमेल के थ्रू एक्सचेंज कर रही हूँ, क्योंकि LMS अभी मेरा डेवलप होना है, वो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है UMT कनेक्टेड को, वो जो है कर नहीं रहे, देखते हैं, वो मुझे कह रहे हैं नेक्स्ट वीक तक कर देंगे, तो आई होप नेक्स्ट वीक तक आप लोग के LMS भी पूरे बन जाएंगे, तो फिर आपको सारा कोर्स मटेरियल LMS के थ्रू मिलेगा, सारी असेसमेंट्स वहाँ पे होंगी, और इवन Zoom का लिंक भी जो है वो LMS पे ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए अपने LMS को जरूर आप लोगों ने चेक में रखना है।
चले बच्चों फिर मैं सेशन एंड करती हूं। काउंसलिंग आवर्स के लिए आपको ईमेल कर रहे हैं उसके लिए कि किस टाइम आप फ्री हैं। काउंसलिंग आवर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो मेरे हैं, और उसमें फिर ये है कि जब भी आपने कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म करोगे ताकि मैं अपने काउंसलिंग आवर में आपके साथ मीटिंग रख लूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए वेलकम। All right, everyone, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.